आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो वट एवर, करेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना, कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की सबकी आदतें क्या है? शो ऑफ है कि नहीं? इसको समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमारी सबकी आदत है शो ऑफ, अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जैसे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो? जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा, उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा, वो पैशन नजर आएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। आप समझ गए ना? एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा होगा, इस दुनिया को एक स्पार्क नजर आएगा। वो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। अभी बोलने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, हो सकता है, बट मेरे साथ साथ में आप बोलोगे और इससे क्या होगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार बोलते हैं एक बार साथ में, और अंदर तक फील करके बोलना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, मुंह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं। एक है अंदर से कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। इससे होगा क्या अगर आप ये कर पाए तो? अपने आप को शीशे में देखा और बोला, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर का मतलब समझते हो? मतलब एक तो हमने बोल दिया इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब कि जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? मैं हूं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से, ये हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना ये तो बड़ा ही सोचते हैं ना, और थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना, है कि नहीं? ऐसे सोचो। तो अब क्या होगा अगर ये बात आपके अंदर उतर गई, आपने शीशे में अपने आप को देखा और बोला, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट एवर, मतलब पिछले हजारों लाखों सालों में जितने भी लोग आए हैं, करोड़ों अरबों लोग आए हैं, सब में से आई एम द ग्रेटेस्ट। अभी जितने भी लोग हैं उसमें से आई एम द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन है? वो नहीं जो कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को भी ठीक रखना अपने माइंड में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो कौन है ग्रेटेस्ट? वो डॉक्टर जिसका नाम बहुत ज्यादा है, या वो डॉक्टर जिसका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? पकड़ लो इस बात को। चाहे नाम बड़ा नहीं है, मतलब कि आप एक टीचर भी हो सकते हो, लेकिन अपना जो टीचिंग का काम है वो इतने अच्छे से आप कर रहे हो कि अंदर तक आपको पता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूं, मैं अपने काम को पूरे पैशन के साथ करती हूं, जो मेरे पास में आता है मैं अपनी तरफ से अपना 100% लगाती हूं उस काम में। यू आर द ग्रेटेस्ट, इसमें शक क्या है? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? वो जो अपने काम को अपनी तरफ से अपना सब कुछ डाल दे उस काम में, वो ग्रेटेस्ट है। और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है?